दूं क्यूब को, ये आ गया क्यूब, तो ये एक। सो हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो इस वीडियो में, तो ये वीडियो मैं कब से बनाना चाह रहा था, जो मेरा ड्रीम क्यूब है RS3M 2020, वो भी इलीट वर्जन क्यूब लेलो का, वो फाइनली मेरे पास आ चुका है। और इसके साथ मैं इस वीडियो में क्यूब लेलो ड्रिफ्ट की भी अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ। तो मैंने इनके ऊपर एक व्लॉग भी बनाया है, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उसे देख सकते हो। तो चलिए अनबॉक्सिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले ड्रिफ्ट, ये मेरा पहला स्टिकर्ड क्यूब है और मुझे ये स्टिकर्ड क्यूब बहुत अच्छा लगा है। तो चलिए इसका फर्स्ट टर्न करते हैं। तो ये क्यूब के जो फर्स्ट थॉट्स है, मैं जो देना चाहता हूँ कि ये पहला तो फर्स्ट पॉइंट तो ये बहुत अभी आउट ऑफ द बॉक्स बहुत फास्ट है और थोड़ा लूज भी है, काफ़ी फास्ट है और अनकंट्रोलेबल हो रहा है। तो ये इसे तो साइड में रखते हैं, अपना मेन क्यूब करते हैं जो कि है RS3M 2020। तो ये मैंने अमेजोन से मंगवाया है, जिसका एक रीज़न था, इसलिए मुझे कमेंट्स में गालियां मत देना कि तुमने क्यूब लेलो से क्यों नहीं मंगाया। तो चलिए इसको खोलते हैं। ये ना एसेसरीज बॉक्स, तो अब इसके बाहर निकालते हैं। ये रहा हमारा एसेसरी बॉक्स, इसको थोड़ी देर के लिए साइड में रखते हैं। ये कुछ ऐसा दिखता है इसका एसेसरीज बॉक्स, एसेसरीज बॉक्स, एसेसरीज बॉक्स, तो हर जगह एसेसरीज बॉक्स मौजूद। तो इसमें देखते हैं क्या निकलेगा। ये इसके एक एक्स्ट्रा स्प्रिंग कंप्रेशन सिस्टम है, उसको एडजस्ट करने का टूल है। और ये हमारा स्क्रू ड्राइवर, और ये कुछ कार्ड्स हैं मोयू की तरफ से जिन्हें कोई भी नहीं पढ़ता। ये कौन सा भाई साहब है, ये चाइनीज़ में लिखा है पूरा मोयू। तो इन्हें थोड़ी देर के लिए साइड में रख देते हैं, ऐसे पूरा पैक कर देते हैं इसके। और इसके अंदर ये कुछ और भी हैं, ये गाइड है क्यूब सॉल्व करने की, जो कि आपको आता ही होगा पक्का, वरना आप ये वीडियो देखते ही नहीं। तो इन सबको पैक कर देता हूँ वापस। तो मैं बाहर निकाल दूँ क्यूब को, ये आ गया क्यूब। तो ये एक स्टैंड जो कि इसके छोटे भाई मोयू मेल और 3M के साथ भी मुझे मिला था, उसके साथ येलो मिला था और इसके साथ ब्लू मिला है, अच्छी बात है, कलर एक बढ़ गया है। और इसमें क्यूब लेयर का स्टैंड वो नहीं मिला है। तो ये रहा हमारा क्यूब, ये पन्ने में लिपटा हुआ आया है, आराम से आया है। ये रहा मोयू का लोगो बड़ा सा। तो ये खुलेगा कहाँ से, ये यहाँ से खुलेगा। आखिरकार ये खुल गया है। ये है एक स्टिकर इलीट का, जिसे हम लगा सकते हैं क्यूब पर, इसे भी साइड में रखते हैं। मुझे हाथ में लेते नहीं पता लग रहा है कि ये काफ़ी ल्यू भी हैं। तो एक मैं क्लॉथ लेके आता हूँ और फिर इसको टर्न करेंगे। तो मैंने इसे साफ कर लिया है, लेकिन अभी भी ये बहुत ज़्यादा ल्यू भी है। कितना ल्यूब है देखिए इसके अंदर, आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा ल्यूब्ड है, हैवीली ल्यूब्ड है। और ये इलीट वर्जन है, मतलब इसमें मुझे एक्स्ट्रा मैग्नेट डालने की ज़रूरत नहीं है। तो इसके फर्स्ट टर्न्स कर लेते हैं कुछ, फर्स्ट टर्न करते चलो। क्या फीलिंग है भाई इसकी, भाई बहुत अच्छा क्यूब है, मुझे
चलाने से इसको फील हो गया है, ये इसका छोटा भाई है जो कि बहुत ख़राब हो गया है। इसी ये मैंने अगस्त में लिया था 2021 में अगस्त में, इसकी भी अनबॉक्सिंग वीडियो है चैनल पे। ये जब आया था तब तो बहुत अच्छा था, लेकिन अब इसकी परफॉर्मेंस बहुत वर्स्ट हो चुकी है। तो मैंने ये ऑर्डर किया है RS3M 2020 Elite। तो इसकी जो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ है वो तो मुझे बिल्कुल नॉर्मल लग रही है इसकी जैसी, बस थोड़ी सी हार्ड है। और जो सबसे बड़ी मुझे फील हो रही है इन दोनों का साइज़, ये 55 मिलीमीटर है और ये 56 मिलीमीटर है। तो कुछ और देर टर्न करते थे, तो जो इसके कोर का डिज़ाइन है वो भी काफ़ी अलग है, मैं आपको बाहर निकाल के दिखाता हूँ। अभी काफ़ी आराम से हैंडल करना पड़ेगा इसके, नहीं निकल रहा है, बहुत ज़्यादा टाइट है, मैं इसके साथ कुछ करना नहीं चाहता। तो इसके कोर को देख लेते हैं, चलिए इसके कोर को देख लेते हैं। काफ़ी आसानी से निकल गया है ये। तो जो स्प्रिंग कंप्रेशन सिस्टम है वो कुछ ऐसा दिखता है, तो मैं इसको एडजस्ट करने की कोशिश करता हूँ। यह है इसका कंप्रेसिंग सिस्टम, आपको क्लिक का ही आवाज। तो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो इसमें टोटल 9 सेटिंग्स हैं। और जो 9 सेटिंग पे इस पर एक थोड़ा बड़ा क्लिक करता है, तो ये इसके कुछ सेंटर के ऐप है, मैं इसको लगा देता हूँ। तो काफ़ी अच्छा क्यूब लगा मुझे तो ये, इसके कलर शेड्स वो भी काफ़ी अच्छे हैं। तो मैं तो पहली बार यूज़ कर रहा हूँ तो मैं तो अच्छा ही बोलूँगा। तो यही था इस वीडियो के लिए, और मेरे ब्लॉग को जरूर देख लेना और लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना, और लाइक के बटन को ठोक देना, और सब्सक्राइब के बटन को तो कुछ भी करो लेकिन दबा दो और उसे ग्रे कर दो, और घंटी बटन को भी ऑल पे सेट कर दो। तो तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में, और हाँ मैं इसका एक डिटेल रिव्यू भी अपलोड करने वाला हूँ, तो उसे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।